जब एक नेता उनके मंच से भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे तो दानिश अली तमतमा गए और उन्हें रोक दिया। अगर भिदूड़ी के मन में दानिश अली की इस हरकत से किसी प्रकार का कोई गुस्सा था तो वो लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस कुंवर दानिश अली के खिलाफ भिदूड़ी अपने इन बातों को रख रहे थे, अनाप शनाप बातें बोल रहे थे, वो दानिश अली कौन है अब ये भी आप जान लें। कुछ दिनों पहले ये वीडियो उनका बड़ा वायरल हुआ था। अरे कहना क्या चाहते हो? ये वीडियो उनके संसदीय क्षेत्र अमरोहा का है, जिसमें जब एक नेता उनके मंच से भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे तो दानिश अली तमतमा गए। झूठ है। देश भर में दानिश अली से लोग बहुत गुस्सा हुए। इस वीडियो को देखकर मन में बड़े ऐसे विचार आए। दोस्तों, गोदी मीडिया के गोदी एंकरों के बीच गिरने का एक बड़ा कंपटीशन चल रहा है और इस कंपटीशन में टॉनिक वाली आंटी उर्फ रूबिका लियाकत सबसे आगे है। कैसे? आपने यहाँ पर देखा कि भिदूड़ी पर कार्रवाई करने, पार्टी से निकालने पर सवाल होना चाहिए था, लेकिन ये टॉनिक वाली आंटी दानिश अली को ही दोषी ठहराने में लगी हुई है। पूरे देश को ये पता है कि चंद्रयान पर चर्चा के दौरान भिदूड़ी ने संसद में गाली ग्लोज की थी, लेकिन रूबिका कोई दूसरी पुरानी वीडियो को इस मामले से लिंक करती हुई दिखा रही हैं। मतलब टॉनिक लेने के बाद इनका एक अलग ही गिरने का लेबल हो गया है। दानिश अली की इस हरकत से किसी प्रकार का कोई गुस्सा था तो वो लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध कर सकते। वाह बेटा, लगता है तुम घू खा के ही मानोगे। दानिश अली के इस कथनी से, इस करनी से देश का कोई शख्स खुश नहीं था। दानिश अली की हरकत पर देशवासियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। क्या साबित करना चाहता है तू? लेकिन भिदूड़ी जी ने जो संसद में किया उसको कोई जायज नहीं ठहरा। आप कोर्ट जा सकते थे भिदूड़ी जी। हाँ जी, तो इस गोदी एंकर का गिरने का स्तर तो आपने देख ही लिया कि एक पुरानी वीडियो के आधार पर ये दानिश अली को ही गलत साबित कर दिया। इसे ही कहते हैं चाटुकारिता करना, और ऐसे ही चाटुकारों की वजह से देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। देश के असल मुद्दों पर बात नहीं हो रही, गालीबाज संसद तक पहुंच गए और उनका सपोर्ट करने और उनके खामियों पर मिट्टी डालने का काम ऐसे गोदी एंकर आजकल खूब करते दिख रहे हैं। तो आप इस टॉनिक वाली आंटी उर्फ रूबिका लियाकत के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में दो शब्द जरूर लिखें। कानून का सहारा ले सकते थे अगर आपको ये सब पसंद नहीं आया और इस बात को, इस एपिसोड को लेकर आपके मन में कोई गुस्सा था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मजा आया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।